हो गया स्टार्ट, हो गया। चलिए स्टूडेंट, इसी प्रकार का, जिस प्रकार का मैंने चौथा सवाल आपको समझाया था, उसी प्रकार का सेम सवाल पांचवा आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक बार करवा देती हूँ। इस सवाल का भी आप एक बार पहले सवाल पढ़ लें, अंडरलाइन कर लें। 1 जनवरी 2017 को ए और बी ने साझेदारी व्यापार प्रारंभ किया, कोई मौखिक या लिखित समझौता नहीं किया। जब कोई मौखिक या लिखित समझौता नहीं है तो आप फ्री हो जाते हैं इनके कई बातों से, आपको केवल अधिनियम की सुनना है। और अधिनियम में लेखा करने के दो ही नियम हैं, एक ऋण यदि हो तो ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज लगाना है, और दूसरा साझेदारों के मध्य यदि लाभ हानि का अनुपात क्लियर नहीं हो तो लाभ हानि का अनुपात क्या रहेगा, समान। ठीक है, यहाँ पे समझौता नहीं है, ये दो नियम लागू होंगे। उन्होंने क्रमशः 40,000 और 10,000 पूंजी लगाई, आपको साझेदारों की पूंजी दी हुई है। इसके अतिरिक्त ए ने 1 जुलाई 2017 को 5,000 रुपए का फर्म को क्या दिया, ऋण। अब की बात कब दिया, 1 जुलाई को साझेदार ने ऋण दिया, फर्म से बदले में क्या देगी, 6% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगी। 1 मई को एक्सीडेंट हो गया और वो 30 जून तक व्यापार नहीं कर सका, कोई दिक्कत नहीं है। 31 दिसंबर 2017 को अंडरलाइन करें, फर्म का लाभ कितना दिया हुआ है, 16,800। आपको ये कह रहे हैं, ए दावा कर रहा है कि उसे पूंजी और ऋण पर ब्याज चाहिए और लाभ वितरण पूंजी के अनुपात में हो। बी दावा कर रहा है कि पूंजी और ऋण पर 6% ब्याज लगाओ और लाभ का वितरण समान अनुपात में हो। तीसरा ये कह रहे हैं, उसे ए के व्यापार की अनुपस्थिति की अवधि में 200 रुपये प्रतिमाह वेतन भी भुगतान किया जाए। आपको स्पष्ट दिया हुआ है कि कानून के अनुसार लाभानी वितरण बनाकर आपको समस्या का हल करना है। तो कानून के अनुसार अर्थात भारतीय सहायता अधिनियम 1932 के अनुसार हमें लेखा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप प्रारूप खींच रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ फर्म फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017। ठीक है, शुरुआत हमारी कैसे होगी, जो दिया हुआ लाभ है बाय बैलेंस बी। अब की बात में दिया हुआ लाभ कितना है, 16,800। ठीक, ये सबसे पहले नोट कर दिया। अब आगे चूंकि कोई समझौता नहीं है, हम पढ़ चुके हैं, तो ए को और बी को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं देना है। ए ने फर्म को ऋण दिया, उस ऋण पर हम क्या करेंगे, 6% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेंगे। तो फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एन। अब हम गणना कर लेते हैं, ऋण पर ब्याज की गणना 6% वार्षिक की दर से कितने माह का लगेगा और कब से लगेगा, तो 1 जुलाई से। खाता बिजनेस पत्र बन रहा है हमारा 31 दिसंबर, तो कितने माह हुए, 6 माह के लिए। अब गणना कर लेते हैं, हमारा ऋण कितने का है, बुक में देखें आप लोग, ए ने ऋण कितना दिया है, 5,000। तो 5,000 × कितने प्रतिशत से लगाना है, 6/100 × कितने महीने का लगाना है, 1 जुलाई से कितने महीने में, दिसंबर 31 तक 6, तो 6/12। अब आप गणना कर लें, 2 शून्य से 2 शून्य गए, 6 × 12, 2 × 3 = 6। अब 50 का 3 में गुणा कर दें, 5 × 3 = 15, 0 ऐसा का ऐसा, यहाँ कितना आया हमारा ब्याज, 150। ये यहाँ डेबिट साइड नोट कर दें, 150 खर्चा था इसलिए डेबिट में हमने नोट कर दिया। अब वही काम, टोटल और डिफरेंस, तो साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा, क्योंकि साझेदारों के मध्य कोई समझौता यहाँ पर नहीं किया गया है, अतः साझेदारों के मध्य सीधा लाभ हानि बांटेंगे, किस अनुपात में बटेगा, तो समान अनुपात में, क्योंकि साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं है। यहाँ पर भी कितने साझेदार हैं हमारे, 2, तो 2 साझेदारों के मध्य लाभ हानि बांटने का तरीका, 2 नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में एक ही बार आप अनुपात लिखेंगे, 1/2, 1/2, 2 लोगों का समान अनुपात, 1:1, तो मतलब वही 1/2। अब 16,800 में से हम 150 को क्या कर देंगे, माइनस, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल क्या करेंगे, माइनस, तो डिफरेंस कितना आया, 16,650। 16,800 में से 150 को क्या करा, माइनस, तो ये डिफरेंस आया 16,650। अब 16,650 को किस में बांटना है, ए और बी में, आधा आधा, मतलब बटे कितना कर दूं मैं, 2, 2 ×
16, दो तीन 6, फिर दो दूनी 4, हासिल लगा एक बचा कितना हो गया 10, दो पंजे 10, तो ए का भी आया 8325, बी का भी आया 8325, बराबर बराबर लाभ दोनों को हमने बांट दिया। क्लियर सभी को? ये दोनों सवाल एक जैसे थे, इसके पहले वाला, चौथा भी और पांचवा भी। थैंक यू।